हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम कुछ इस टाइप की स्टॉप रेप्स कॉन्सेप्ट बेस्ड फोटो एडिटिंग करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और अपने बैकग्राउंड को चूज कर लेंगे। इस बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहीं से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली हम टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे क्रॉप में। क्रॉप में आने के बाद इसको कर लेते हैं इंस्टा पोर्ट्रेट पे क्रॉप। उसके बाद इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद ऐड फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके हम अपने मॉडल को कर लेते हैं चूज़। उसके बाद कटआउट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इधर क्लिक कर देंगे पर्सन पे। उसके बाद सिंपली हम इसको कर लेते हैं सेट। इधर कर लेते हैं डन। उसके बाद हम टूल्स वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चले जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में आने के बाद इसके सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा लेते हैं। उसके बाद क्लैरिटी को भी हल्का सा बढ़ा देते हैं और हाईलाइट को कम कर देते हैं। शैडो को भी हल्का सा कम कर लेते हैं। उसके बाद इरेजर वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं इरेज। इधर कर लेते हैं डन। डन करने के बाद ऐड फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं इसको ऐड। ऐड करने के बाद इसका बना लेते हैं डुप्लीकेट। उसके बाद इसको कर लेते हैं सेट। इसको ऊपर कर लेते हैं सेट। उसके बाद इसकी कैपेसिटी को कर लेते हैं 37। उसके बाद इस वाले को भी कर लेते हैं सेट। उसके बाद इसकी कैपेसिटी को भी कर देते हैं 37। थोड़ा सा इसको और सेट कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं डन। डन करने के बाद ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं इसको ऐड। ऐड करने के बाद इसको कर लेते हैं सेट। इसको एकदम परफेक्ट सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद इरेजर के आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं इरेज। करते हैं डन। डन करने के बाद ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं इसको ऐड। ऐड करने के बाद सिंपली हम इसको कर लेते हैं सेट। उसके बाद इसकी कैपेसिटी को भी कर देते हैं लो। इसको कर देते हैं 40, 41। थोड़ा सा इसको और सेट कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं डन। उसके बाद हम ऐड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं इसको ऐड। ऐड करने के बाद सिंपली हम इसकी ब्लेंडिंग मोड को कर लेते हैं डार्केन। उसके बाद इसको बना लेते हैं इसका डुप्लीकेट। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको कर लेते हैं सेट। इसको और छोटा कर लेते हैं। जस्ट इसके पट्टी को हल्का सा ऊपर करना है इसको। उसके बाद इरेजर वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद इसको कर लेते हैं रिस्टोर। आपको ऐसा ही कर लेना जिससे कि ऐसा लगे कि मतलब पट्टी के नीचे से गिर रहा है खून। उसके बाद इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद इसकी कैपेसिटी कर देते हैं 62।
उसके बाद इस वाले को भी कर लेते हैं सेट। इसको कर लेते हैं रोटेट। रोटेट करने के बाद इसको कर लेते हैं सेट। उसके बाद इरेजर वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद इसको कर लेते हैं रिस्टोर। इधर कर लेते हैं डन। उसके बाद एड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं इसको ऐड। ऐड करने के बाद कर लेते हैं नीचे सेट। उसके बाद इधर से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद एड फोटो आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं इसको ऐड। ऐड करने के बाद सिंपली इसकी ब्लेंडिंग मोड को कर लेते हैं डार्केन। उसके बाद इसको कर लेते हैं सेट। थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं। उसके बाद इरेजर वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कर लेते हैं इरेज। इसके साइज को कम कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं डन। डन करने के बाद इसकी कैपेसिटी को हल्का सा लो कर देते हैं 61 कर देते हैं। उसके बाद जैसे कर लेते हैं डन। उसके बाद हम ऐड फोटो वाले आइकन पे क्लिक करके हम अपने अगले वाले पीएनजी को चूज कर लेते हैं। इधर कर लेते हैं इसको ऐड। ऐड करने के बाद सिंपली इसकी ब्लेंडिंग मोड को कर लेते हैं स्क्रीन। उसके बाद इसको कर लेते हैं सेट। इधर कर लेते हैं डन। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फोटो बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद इसको कर लेंगे सेव।